हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और। तो आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, तो ये हमारा है आईटेल A23 प्रो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फ़ोन है हमारे पास, ये फ़ोन ऑन है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे वीडियो हैं भी, एक्चुअल आ भी रहे काफ़ी सारे। ये मैं अपने स्टूडेंट और अपने सब्सक्राइबर के लिए फिलहाल ये वीडियो मैं बना करके दे रहा हूँ कि कैसे आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। अभी तक टूल प्रोवाइड नहीं था, तो टूल नहीं मिल पा रहा था, इसलिए फ्लैश नहीं हो रहा था। तो एक चालू फ़ोन है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है गाइज़, मैं ये भी बता देता हूँ, और इससे नहीं हुआ तो भी आप क्या कर सकते हैं। तो गाइज़, इसमें प्रॉब्लम ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है या हैंग उन लोगों कुछ टाइम के बाद चलने के बाद ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट होता है गाइस। तो आपको एक बार इसको करना है फ्लैश। अगर ये फ्लैशिंग से सही नहीं होता है तो गाइस, इसको आपको क्या करना है, एक बार इसकी MMC को चेक करना है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो आपको MMC को चेक करना होता है, क्योंकि अगर MMC की हेल्थ भी डाउन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे L5006C, तो आप देख सकते हो ये हमारा है। तो बेसिकली, तो गाइस बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इसकी MMC की हेल्थ डाउन हो जाएगी तो भी ये फ़ोन ऑटो रिस्टार्ट या फिर हैंग ओवर लोगों पे स्टक हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना है फ्लैशिंग। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि फ्लैशिंग में जो भी एरर्स आते हैं उसको हम कैसे प्रैक्टिकल तौर से फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मैं बताना चाहूँगा कि गाइस, जैसा कि आपने वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे वीडियो देख रहे हैं कि अरे इसका सोल्यूशन डायरेक्ट फ्लैशिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसके एरर्स के बारे में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअल में किसी का हो रहा होगा या किसी का नहीं हो रहा होगा। जिसका नहीं हो रहा है तो मैं उसका रीज़न पूरा फुल इसके सोल्यूशंस के बारे में, ये वीडियो है तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली कि आपको एक्चुअल में गाइस की एक गाइड, सही गाइडलाइंस मिल जाएगी आपको। तो चलिए सबसे पहले मैं फ़ाइल का दिखा देता हूँ। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है फ्रेंड, इसमें आ रहा है फाइलों का। आप देख सकते हो, इसमें मैंने तीन फाइल रखी हुई है, एक ही मॉडल के तीन फाइल है। मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों फाइलों के लिंक दे दूंगा, जिसमें आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो कर रहे हैं, जो फाइलों का नॉलेज है, जैसे V36 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1020 है, और यहाँ पे V26, ये तीनों ही फाइलें काम कर रही हैं। सब तीनों ही फाइलों में अलग अलग वर्जन पे काम कर रही हैं। तो गाइज, यही इसका मेन मसला है, फाइलों का मेन मसला है यहाँ पे। तो चलिए मैं आपको टूल दिखा देता हूँ गाइज। तो टूल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो मैं आपको टूल दिखा देता हूँ। तो टूल यहाँ पे है गाइस, यहाँ पे इसका टूल है। टूल को जब आप स्टैक करेंगे तो टूल का पासवर्ड है 123। तो मैं यहाँ पे टूल को स्टैक कर देता हूँ, उसका जो पासवर्ड है 123 आपके सामने डाल रहा हूँ, इसलिए मैं स्टैक भी कर रहा हूँ। अब इस टूल में भी मसले हैं गाइस, क्योंकि सब लोग डायरेक्ट फ्लैशिंग दिखा रहे हैं आपको कि टूल खोलो, फाइल सेलेक्ट करो और फ्लैश हो गया। इतना इजी नहीं है गाइस, जब आप कर रहे होगे तब आपको फेस करने को पता चल रहा होगा काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। तो चलिए, अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके PC में प्रॉपर ड्राइवर नहीं है तो भी ये एरर आता है गाइस। तो आपको यहाँ पे इस ड्राइवर को, जो भी आपका बीट होगा, आप अपने उसके अकॉर्डिंग आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में तो इंस्टॉल है, तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप टूल देख सकते हो, टूल में आपको क्या करना है, आपको जाना है टूल प्लेइंग पे जाना है, उसके नीचे सबसे पहले आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी दो मसले हैं, आपको सबसे पहले नॉर्मल तरीके से फ्लैश करना है जैसा कि आप देख रहे हो। अगर आपका नहीं होता है तो जो आपकी फ्लैश फाइल है, जो कि हमने आपको यहाँ पे फ्लैश फाइल दिखाई थी, इस फ्लैश फाइल को कॉपी करके आपको उस टूल में डाल देना है। तो मैं अभी फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए मैं आपको, अगर एरर आता है तो मैं आपको एरर को लाइव दिखाने वाला हूँ गाइस यहाँ पे। तो चलिए टूल को मैं ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस फोल्डर में फाइल दे दोगे तो आपको फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो फाइल ऑटोमेटिक लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे अपलोड होने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो फिलहाल जाहिर सी बात है कि आप इसको क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद फिर से आप इसको ओपन करोगे, ओके कर दोगे, तो आप देखते हैं आपको सेटिंग का आइकन आ गया, मतलब यहाँ पे आपको फाइल लोड होने का ऑप्शन आ गया। बट अगर फाइल को आप डायरेक्ट इसके अंदर दे देते हो, अपने फोल्डर के अंदर दे देते हो इस फोल्डर के अंदर, तो आपको फाइल अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है गाइस। तो चलिए फटाफट मैं फाइल को अपलोड कर देता हूँ। हमारी फाइल रखी हुई है, डेस्कटॉप पे रखी है, न्यू फोल्डर 2 पे रखी हुई है, और ये हमारी फाइल है। अब इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे हम कर लेंगे इसको ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है गाइस। अब सिंपल सिंपल हमें क्या करना है, एक बार फाइल को वेरिफिकेशन कर। तो जैसे आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे, वो टूल अपने आप ऑटो ऑफ हो जाएगा। काफ़ी सारी मैसेज आ रहे थे कि इसका सोल्यूशन एक्चुअल में नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पे स्टूडेंट और हमारे सब्सक्राइबर से काफ़ी मैसेज आ रहे थे, तो हमने सोचा एक प्रॉपर वे में वीडियो बना दिया जाए। तो वीडियो बहुत सारी है, आप जा करके उसको भी वॉच कर सकते हो। चलिए, तो अब एक बार फिर से आपको टूल को ओपन कर लेना है। आप जैसे इसको एक बार आप फाइल लोड करोगे तो ऑटो बंद हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल लोडेड है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार प्ले बटन पर क्लिक कर देना है, ये फाइल वेरीफाई होगी। ये जो फाइल थी, मैंने जो ये मसला था गाइस, फाइलों का ही मसला है, मैं आपको शुरू में सारी चीज़ें, जो एरर्स होते हैं, सारा एरर मैंने आपको बता दिया है।
अगर आप इससे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपका कोई भी एरर नहीं आने वाला है। मेन मसला था वो मैंने आपको स्टार्टअप पे बता ही दिया है, और ये थोड़ा सा अभी वेरिफिकेशन होगा, तो ये देख सकते हैं हो रहा है। और उसके बाद सिंपल और सिंपल आपको क्या करना है, जो हमने बताया था डिवाइस मैनेजर भी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर, उसमें आपको ये दिखेगा कि हमारा फ़ोन का पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है गाइस। तो चलिए ये मैंने यहाँ पे साइड कर दिया है, ये अभी 100% हो जाएगा। 100% होने के बाद अब चलिए ओके कर देंगे, यहाँ पे कोई वो किसी चीज़ का एरर नहीं है। अब सिंपल और सिंपल आपको यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपको फ़ोन को क्या करना है गाइस, वॉल्यूम अप डाउन दबा करके फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है, अब वेरिफिकेशन है। और यहाँ पे देख सकते हैं किसी बिना किसी एरर के गाइस, जब आप कर रहे होगे तो आपको काफ़ी सारे एरर देखने को मिल रहे होंगे आई होप। तो ये जो मसला है गाइस, ये मसला है फाइलों का मसला है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। हमारा पास का एक मैसेज आएगा, देख सकते हैं हमारा पास हो चुका है गाइस। तो ये हमारा फ़ोन हमारे हाथ में ही है, वॉल्यूम अप डाउन दबा करके आपको कनेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि फ़ोन डेड हुआ कि नहीं हुआ। ये हमारे पास कोई फॉल्टी फ़ोन नहीं था, मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर ये प्रॉब्लम आएगा आपके पास तो क्या क्या एरर हो सकते हैं। तो अब चलिए एक बार आपको बैटरी को निकाल लेना है और फिर से आपको इसको ओपन करना है। तो मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, ये वही फ़ोन है। तो अब आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे फ़ोन ऑन करके देखते हैं कि कहीं हमारा फ़ोन डेड तो नहीं हुआ, या रिस्टार्ट पे ही तो नहीं है, या तो लोगो पे नहीं है। तो देख सकते हैं अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे कि हमारा फ़ोन ये काम होता है कि नहीं होता है गाइज। 100% हो जाएगा। ये जो मसला था यहाँ पे फाइलों का मसला है, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो डली हैं पर वो एक्चुअल में गाइज सही वे से नहीं डला हुआ है, सही प्रॉपरली जानकारी वहाँ पे नहीं डली है। तो आपको मैंने जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं ये तीनों फाइलें दे दूंगा आपको। उन तीनों फाइलों में आपको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन यही प्रोसेस करना है आपको, और जो भी इसके एरर थे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है। तो देखिए फ़ोन अभी कोई लोगो या स्टार्ट पे नहीं है, इसका सोल्यूशन हो गया। और मैंने यहाँ पे जो आपको फाइल दिखाई थी गाइज, ये जो तीन फाइलें हैं, ये तीनों फाइलों को मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये तीन फाइल, क्योंकि आपका ज़्यादातर यही फाइल से होगा। उसके बाद नहीं तो ये फाइल आपकी काम करेगी, नहीं तो लास्ट आपकी ये वाली फाइल भी काम कर जाएगी। तो तीन फाइल है गाइज, इसमें आपको वन बाई वन चूज़ करना है और देखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन आपको यहाँ पे डिटेक्ट करता है। तो चलिए बस थोड़ा सा देख लेते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है। एक छोटी सी वीडियो थी, अपडेट वीडियो है गाइज, और हमारा फ़ोन अभी हालांकि बूट कर रहा है, बूट मोड पे है, सेकंड बूट पे है, और अभी हो जाएगा, कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, कम्प्लीटली तरीके से ऑन हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। We'll be right back.